नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रस्ट यूटीआई सस्पेंशन के बारे में। इसके फ़ायदे जानेंगे, नुकसान जानेंगे और इस्तेमाल करने का तरीका जानेंगे और कितने दिनों तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है ये भी इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो घंटी वाला निशान है उसे ऑल पर टच कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, ट्रस्ट यूटीआई सस्पेंशन सिरप आता है मैकमेंटस कंपनी का और इसमें जो कंटेंट्स हैं वो है क्रैनबेरी डी मेनोस एंड पोटाशियम मैग्नीशियम सिट्रेट सस्पेंशन। इसका एमआरपी है 130 रुपये 100 ml की बोतल का। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके यूजेस की, किस काम इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, इसका उपयोग यूरिन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। यूरिन इन्फेक्शन की वजह से होने वाली तकलीफ़ों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि यूरिन इन्फेक्शन की वजह से पेशाब में जलन होना या पेशाब रुक रुक के आना या यूरिक एसिड का बढ़ जाना और कई बार गुर्दे की पथरी की वजह से भी, किडनी की पथरी की वजह से भी पेशाब रुक रुक के आता है, जलन होती है, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यूरिन इन्फेक्शन की वजह से पेशाब बूंद बूंद आना और उसमें बहुत तेज दर्द होना, उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यूरिन इन्फेक्शन की वजह से अगर महिलाओं को सफ़ेद पानी वगैरह आ रहा है तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और भी साथ में दवाइयाँ दी जाती हैं, एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, उसके साथ में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो 2-2 चम्मच सुबह शाम बताया जाता है और कई बार इसे पानी में मिला के भी बताया जाता है, लेकिन ये वाला जो है सिंपली ही आप दे सकते हैं इसको। ये बना बनाया होता है, जो पाउडर बेस होता है उसे पानी में मिक्स करके दिया जाता है, ये वाला नहीं दिया जाता है। ठीक है, 2-2 चम्मच सुबह शाम या फिर 3 टाइम और इसे लगातार 3 दिन से लेकर 10 दिन तक या फिर 1 हफ्ते तक बताया जा सकता है पेशेंट को। जैसी पेशेंट की नीड होगी, जैसी कंडीशन होगी, उसी प्रकार से इसकी डोज को भी बताया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसको लेने से अगर पेट फूलता है या दस्त लगते हैं, थकावट होती है, उल्टी आती है या फिर घबराहट होती है, तो इसे बंद करके आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाइएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद।